हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैंने आपको इस वीडियो बताया कि आप अपने स्टेप टू को कैसे सॉल्व करोगे अगर आपके मोनेटाइजेशन स्टेप टू में एरर आ रहा है, बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी वे में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे एंड तक तो क्या होगा भाई, आपका फिर से एरर आ जाएगा। तो जरूर ये भाई कुछ मिनट की वीडियो होती है, पूरी जरूर देखना, इससे क्या होगा आपका भला हो जाएगा और एरर सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो है 25। कुछ पूछना है, कुछ सॉल्व करवाना है या फिर कोई भी जानकारी चाहिए, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, और आप कमेंट भी कर सकते हो। बाकी मैंने इस वीडियो में पूरा दिखाया कि आपको स्टेप टू कैसे सॉल्व करना है बहुत इजी वे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर जो है एरर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आ गया लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये है एक नया चैनल। इन भाई ने मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट किया था, मेरे को बताया था कि भाई मेरे स्टेप टू में जो एरर आ रहा है, एरर कौन सा, मैंने इनसे पूछा, उन्होंने कहा योर एसोसिएटेड एडसेंस अकाउंट पर डिसअप्रूव का एरर है। दिस मे बी ड्यू टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, यू रिसेंट ईमेल फ्रॉम एडसेंस, नो रिप्लाई एट gmail.com हैज मोर डिटेल्स। तो इस तरह का एरर जो इनको आ गया, ये जो एरर दोस्तों बहुत सारे लोगों को आता है और शायद आपको भी आया होगा, तभी आप ये वाली वीडियो देख रहे हो। तो इन भाई ने मेरे को पूरी जानकारी दी थी इंस्टाग्राम पर, मेरे से कॉन्टेक्ट किया था, जो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, और जो मेरे इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो है shobir25। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे shobir25 तो मैं आपको मिल जाऊंगा, आप डायरेक्ट वहां पर मेरे से बात कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो इन्होंने भी वही किया था, मेरे से मैसेज किया, मैंने इनको बताया कि भाई ये तुम्हारा एरर है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करो। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, आप सॉल्व कर दो। तो मैंने इनको पूरा गाइड किया था, तो जो लोग मुझसे करवाते हैं मैं उनका पेड बेसिस पे कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन 100% सॉल्व होता है, ये मेरी गारंटी है। ये एरर बहुत सारे लोग आता है, ये क्यों आता है, ये आता है भाई एग्जिस्टिंग की वजह से, मतलब कि आपका पहले से कोई एडसेंस है उसकी वजह से ये एरर आ जाता है। अब दोस्तों हम लोग इनके चैनल पर चलते हैं, तो इन्होंने भाई बहुत सारी वीडियोज भी डाल रखी है डैशबोर्ड में, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके इतने सब्सक्राइबर हैं और ये ब्लॉग बनाते हैं, शायद मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, वो सॉल्व तो करते नहीं है, वो पता नहीं कौन कौन से तरीके लगा के यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, कुछ फेक भी होती हैं, कुछ रियल भी होती हैं। तो फेक वीडियोस को देख देख के भाई वो तिगड़म बिगड़म भिड़ा के इधर से वो एडसेंस डिलीट कर देते हैं, फिर नया बना लेते हैं, एडसेंस की प्रोफाइल चेंज कर देते हैं, कहीं पे जीमेल चेंज कर देते हैं। तो भाई आपको ये सब नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये सब करते हो तो भाई आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप इसकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। अगर उसके बाद आप मेरे से भी सॉल्व करवाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको सॉल्व होने में, मतलब आपने इतनी सारी तिगड़म बिगड़म भिड़ा के इसको और खराब कर दिया एरर को। तो भाई ज़्यादा खराब करने की कोशिश ना करें, ये सोचें कि हमारा जो एरर है क्यों आया है। मेरी वीडियोस देखें, मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, ये देखें कि ये एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको देख के समझें ये एरर क्यों आया है और इसको इजीली सॉल्व करें। पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा इन भाई ने गलती क्या कर रखी है, क्योंकि गलती के बिना भाई इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। जब तक आपको गलती पता नहीं चलेगी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग एक नई टैब लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को सर्च करना है adsense.com, और जैसे हम लोग सर्च कर देंगे तो भाई जो हमारा एडसेंस है वो खुल जाएगा। देखते हैं कि इनकी यूट्यूब चैनल की जीमेल आईडी पर एडसेंस है या नहीं है। तो जी हाँ, एडसेंस है और एडसेंस फॉर यूट्यूब में चलते हैं भाई, क्योंकि ये तो हमारी मेन चीज है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव, क्या इन्होंने कहा है रीजन, यू ऑलरेडी हैव गूगल पब्लिशर अकाउंट, साइन इन टू योर एग्जिस्टिंग अकाउंट, ठीक है, मतलब कि आपका वही वाला जब मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग का इशू है, पहले से एडसेंस बना हुआ है तो वही वाला इशू है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं, फिर क्या होता है कि सबमिट तो हो जाता है, ये फिर से प्रोग्रेस में चला जाता है एडसेंस, और हमारे स्टेप टू में फिर से प्रोग्रेस आ जाता है, और ये बार बार वो लोग टिक करके सबमिट कर देते हैं और ये प्रोग्रेस हो जाता है और बार बार डिसअप्रूव होता रहता है। ऐसे फालतू में ऐसे टिक करके सबमिट नहीं करना, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अब 50 बार भी करोगे 50 बार डिसअप्रूव हो जाएगा। और आज तो एक दिक्कत और बढ़ गई है कि सबमिट करके आप डिसअप्रूव करवाते रहोगे बार बार, जब आप 2 से 3 से ज्यादा बार करवा दोगे तो भाई 32 दिन के लिए ब्लॉक भी हो जाते हैं ऑप्शन। ये जो दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये वाले, ये दोनों ब्लॉक हो जाते हैं 32 दिन के लिए। तो आपको बार बार सबमिट करके प्रोग्रेस नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि दिक्कत क्या आ रही है, उसके बाद पूरा सॉल्व करना है, जैसे मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इन भाई के पास 2 मेल आए हैं, सबसे पहले आपको मेल दिखाता हूँ। एक मेल तो इनके पास ये आया है 22 घंटे पहले, जब ये एरर आया तो इनके पास ये मेल आया है, कंटिन्यू यूजिंग योर एग्जिस्टिंग अकाउंट, मतलब कि आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए हम लोग आपके नए वाले एडसेंस को डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो इनके पास पहले से एडसेंस है। इनके पास एक मेल और आया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला डुप्लीकेट अकाउंट, मतलब कि यू कैन ओनली हैव 1 एडसेंस अकाउंट, मतलब इन्होंने नया एडसेंस बना दिया और इनके पास ये मेल आ गए डुप्लीकेट अकाउंट का और वेबसाइट इशू का, और ये वाला आ गया। तो मतलब इनके पास 2 मेल आए हैं। अब ये क्यों आए, एग्जिस्टिंग एडसेंस पहले से बना हुआ है इसलिए आए हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा, जैसे ये वाला जो है। दोस्तों यहाँ पर मैं जो adsense.com पर आ चुका हूँ और साइन इन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो जीमेल पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेते हैं।
जो हमारी एग्जिस्टिंग वाली जीमेल है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझाता हूँ, बहुत बारीकी से, और बहुत सारे लोग तारीफ भी करते हैं इस चीज़ की मेरे को इंस्टाग्राम पे आके, भाई वो इसलिए समझाता हूँ, मैं जल्दी जल्दी वीडियो मैं ही बना सकता हूँ कटमंड मार मार के ये सब इधर स्क्रीनशॉट दिखा के, भाई मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ब्राउजर सर्च करके दिखाता हूँ, जीमेल लॉगिन करके दिखाता हूँ, ऐसे ही नहीं दिखाता स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करके, और इसलिए वो भी कि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं जीमेल डाल दिए, पासवर्ड डालता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जीमेल पर भी एडसेंस है, जी हाँ एडसेंस देखिए खुल चुका है। हम लोग इनकी पेमेंट्स में चलते हैं और पेमेंट इन्फो में चलते हैं और देखते हैं इन्होंने किस नाम से एडसेंस बनाया है। तो इनका जो एडसेंस है वो है भाई अभिषेक जैस से। इसकी पब्लिशर आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आ रही है, ठीक है। और अगर हम लोग पुराने वाले अपने यूट्यूब चैनल की जीमेल आईडी पर आते हैं और इसका एडसेंस खोलें तो हम लोग देख पाएंगे कि ये वाली पब्लिशर आईडी अलग अलग है, मतलब इनके पास पहले से एक एडसेंस है, जी ये तो कन्फर्म हो चुका है। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों, आपके पास एक एक्स्ट्रा जीमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास पहले से भी कोई जीमेल आईडी होगी तो वो आप यूज मत करना, अगर मेरी बात मानो। आप क्या करना, एक नई जीमेल आईडी बनाना बिल्कुल फ्रेश वाली, उसके बाद इसको जो है हम लोग एक नई जीमेल आईडी से एक एडसेंस क्रिएट करेंगे। इसको कोई टिक विक नहीं करना, इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि खराब हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, अपने चैनल पे आते हैं और चेंज एसोसिएशन में क्लिक करते हैं। चेंज एसोसिएशन भी करने का तरीका जो है वो जैसे ये वाला जो तरीका बता रहा हूं ना मैं, ये वाले तरीके में ही चेंज एसोसिएशन करते हैं। आप किसी अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको चेंज एसोसिएशन नहीं करना, किसी किसी में फिक्स एडसेंस भी करना होता है, तो आपको ध्यान रखना कि आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने जो है वेरीफाई कर लिया है, अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एरो पे क्लिक करना, देखिए यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपके पास कोई पहले से अप्रूव एडसेंस है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर देंगे, नहीं है नया बना रहे हैं तो ये वाला सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नया बना रहा हूँ तो ये वाला सेलेक्ट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक नई जीमेल आईडी जो है क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है यूज अनदर अकाउंट करेंगे और क्रिएट अकाउंट करेंगे और माई सेल्फ करेंगे, उसका यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, कोई भी आप जो नाम डालना चाहो नाम डाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग नाम डालते हैं, अभिषेक नाम से बना देते हैं, इनके नाम से ही अभिषेक वर्मा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल दिए जो भी आपकी हो, उसके बाद जेंडर डाल लीजिए आप जो भी आपका हो, गेट अ जीमेल एड्रेस इंस्टेड, यहाँ पर अपना कोई भी मेल आईडी डाल दीजिए जो आप चाहते हो। तो दोस्तों मैंने जो जीमेल आईडी बना ली है नई वाली, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ उसको। तो ये मैंने जीमेल डाल दी, अब मैं सिंपली पासवर्ड डालूंगा, ये पासवर्ड डाल दिया और इससे साइन इन कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे उसका। दोस्तों यस सेंड मी कस्टमाइज्ड हेल्प एंड परफॉर्मेंस, इसको आप नो ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अपना जो कंट्री है इंडिया पाकिस्तान जो भी आप वो सेलेक्ट कर देना, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। यस आई हैव रीड, इसको क्लिक करके क्रिएट अकाउंट कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आपका एक नया एडसेंस बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी डिटेल्स डालनी है, आपको जो आपका रियल नाम है, जो भी रियल नाम है आपका, वो यहाँ पर डालना है आपको। तो उसके बाद जो अपना एड्रेस डालना है, रियल वाला नाम जो है इनका मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जो इन्होंने कहा कि भाई ये वाले नाम से बनाना है, वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब दोस्तों उसके बाद पर जो आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है जहां पर आप रहते हो, ठीक है, मतलब ऐसे डेमो के हिसाब से बता रहा हूं आपको, जो भी आपका रियल वाला है वो डालना है। तो यहां पर देखिए मैंने पूरा एड्रेस डाल दिया, अब सिंपली आपको सबमिट कर देना है। अब दोस्तों सबमिट करने के बाद इस तरह से रिडायरेक्ट होगा और रिडायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, खुद से ही होगा, ठीक है। आप कोई भी छेड़छाड़ मत करना भैया, वरना फिर से रिडायरेक्ट नहीं होगा। अब देखिए इस तरह से आपका यूट्यूब खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए लाइन जो चल रही है, मतलब प्रोसेसिंग में है, और यहाँ पर जो आपका स्टेप टू प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने कई हज़ार लोगों का सॉल्व किया अभी तक, 6 से 8 घंटे भी लग जाते हैं, कभी 12 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन डन हो जाएगा, 100% डन हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, सिंपली वेट करना है। अभी टाइम क्या हो रहा है भाई, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 2:34 हो रहे हैं दिन के, और अब देखते हैं कब तक होता है। दोस्तों आपने पूरी वीडियो में एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया, कोई ऐसा अलग क्लिप नहीं दिखाई। मैं जो भी करता हूं, लाइव करता हूं, बिल्कुल लाइव, कोई स्क्रीनशॉट दिखा के काम नहीं करता, मेरी वीडियो पूरी लाइव होती है। दोस्तों अगर आप में से मैं किसी का एरर सॉल्व करता हूं ना, तो जिसका भी एरर सॉल्व करता हूं उसकी प्राइवेट जानकारी, जैसे कि उसका नाम एड्रेस जो हम लोग एड्स में भरते हैं, वो सब मैं ब्लर कर देता हूं, हाइड कर देता हूं, जिससे कि वो पब्लिकली मैं वीडियो में नहीं। तो अगर आप भी मेरे से एरर सॉल्व करवाते तो आपकी कोई प्राइवेट जानकारी जो है मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब इस बंदे का भी डन हो जाएगा। अब दोस्तों फाइनली हम यहां पर देख सकते हैं कि भाई हमारा जो स्टेप 2 है वो डन हो चुका है। मैंने जस्ट अभी YouTube खोला था इनका चैनल और मैं रिफ्रेश किया था, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि जो हमारा स्टेप 2 है वो डन हो चुका है। कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, लाइव वीडियो है, आप यहां पर देख सकते हैं। टाइम क्या हो रहा है, 22:10, मतलब हमने किया था 14:00 पे, मतलब 2:00 पे किया था, और रात के 10:00 हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट 6-7 घंटे में हो गया। अभी देखिए एक पेज मेरा और खुला हुआ होगा, ये सुबह का है, मतलब दोपहर का, जब मैंने किया था प्रोग्रेस, और मैं इसको भी रिफ्रेश करूंगा तो आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर डन दिखा देगा, क्योंकि डन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने स्टेप 2 को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो स्टेप 2 एरर है वो सॉल्व हो गया होगा और आपका जो मोनेटाइजेशन है वो भी इनेबल हो गया होगा। स्टेप 2 एरर में या फिर मोनेटाइजेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती है, मैं हर दिक्कत का जो सॉल्यूशन है, जैसे कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या फिर पिन वेरिफिकेशन या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैंक लिंक करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर बताता हूँ। तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी आपको मेरी वीडियोज मिल पाएंगी। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।